हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड एंड ब्यूटी। मेरा नाम है अंजलि। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूटी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल मार्केट की जैसी फ्रूटी बनाने जा रहे हैं आज हम। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे फ्रूटी की रेसिपी जो है बहुत पहले भी शेयर की हुई थी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। और साथ ही साथ जो है मैं दोबारा बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ दोबारा से शेयर की जाए, दोबारा से रिमाइंड किया जाए। और मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, उनके रिक्वेस्ट करने पर मैंने दोबारा ही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और तो चलिए फ्रेंड्स, बनाने जा रहे हैं हम फ्रूटी। तो यहाँ पे मैंने एक मैंगो लिया है जो कि खट्टा मीठा है, और एक कैरी ली है जो कि पकी हुई है थोड़ी थोड़ी। और अब मैंने इसको कुकर में डाल लिया छील के, दोनों को, कैरी को और आम को छील के मैंने इसके पीसेस कट करके डाल दिया। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी ही डालना है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल के, और उसके बाद मैं इसको एक पिस्ता दिला दूँगी। ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है इसको, बिल्कुल अधपका पकाना है। बिल्कुल ज़्यादा पकाएंगे तो फ्रूटी ख़राब हो जाएगी, मार्केट से ऐसा टेस्ट नहीं आएगा। याद रखें, आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, टिप्स का ध्यान रखें, जिससे आपकी मैंगो फ्रूटी बिल्कुल बगैर जैसी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने ज़रा सी एक सीटी दिलवाई और गैस ढक्कन खोल दिया कुकर का। कुकर के एक सीटी आई थी तो मैंने जो है उसके बाद मैंने ढक्कन खोल दिया इसका। एक सीटी आने के बाद, स्टीम ख़त्म होने के बाद मैंने ढक्कन खोला, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं किस तरह की कंडीशन है। इसी कंडीशन पे हमने मिक्सी जार में इसको डालना है और हम इसको पीसेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी यमी लग रही है फ्रूटी, और हम इसमें डाल देंगे मिक्सी जार में। और मैंगो के पीसेस कितने जूसी लग रहे हैं। तो हमारी फ्रूटी की जो खुशबू है पहले से ही आने लग गई, जिससे लाने के बाद जो खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है मैंगोज़ की, कैरी की। अब हम इसे मिक्सी जार में पूरी डाल देंगे। ये लगभग एक आम है और एक छोटी कैरी है, जिसकी मैंने फ्रूटी बनाई है 1 लीटर। तो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसे पहले से बना के भी रख सकते हैं। और जब गर्मियों का सीज़न है तो इस तरह से आप बना के रखेंगे तो गर्मी में अच्छी ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। किटी पार्टी हो या कुछ भी ओकेज़न हो या गेस्ट आए हो घर में, तो आप इस तरह से फ्रूटी पहले से बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीनी ऐड करी है। आप मेज़रमेंट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकअप कर सकते हैं। तो इसमें मैंने जो है लगभग 100 से 130 ग्राम मैंने चीनी ली है, 130 ग्राम मैंने चीनी ली है एक आम और एक कैरी के हिसाब से। फ्रेंड्स, अब हमने जो है पेस्ट बना ली है, आप देख सकते हैं इसमें मैंगो, कैरी और हमने शुगर डाली थी, चीनी डाली थी और उसको हमने पीस लिया था। तो एक आम और एक कैरी के हिसाब से 130 ग्राम हमने चीनी ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते तो बिल्कुल ठीक मात्रा में, बिल्कुल मीठा इतना ठीक है, सफिशेंट है। और हमने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, और आप देख सकते हैं हमारी प्यूरी बिल्कुल रेडी है और लग रही है ना फ्रूटी बिल्कुल बहुत ही यमी जूसी। और हमने इसको स्ट्रेन करना है, छानना ज़रूरी है, ताकि जब हम फ्रूटी पियेंगे तो उसके जो है थोड़े थोड़े आम के रेशे, कैरी के रेशे हमारे मुँह में नहीं आएंगे। तो आप ये प्रोसेस ज़रूर करें, फ्रूटी प्यूरी बनाने के बाद आप इसको जो है छलनी से छान लें प्यूरी को। तो आप देख सकते हैं मैं छलनी में से छान रही हूँ इस प्यूरी को। फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने छलनी से प्यूरी को छाना, और उसके बाद हमारा पल्प बिल्कुल रेडी है, फ्रूटी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें जो है ठंडा ठंडा आइस वाला पानी हम इसमें डाल देंगे, ताकि क्योंकि जो प्यूरी थी वो गर्म थी, हमने कुकर से निकाल के उसको पीसा था तो थोड़ी गर्म थी। तो हम इसको जो है ठंडे पानी में मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रूटी को फ्रिज में रख सकते हैं और हमारी बॉटल्स में डाल के अब रेडी है। तो हम इस तरीके से पानी डाल लेंगे इसके अंदर। और अगर आप प्रिजर्वेशन के लिए इसको मतलब काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो लगभग 2 चुटकी टाटरी इसमें पीस के डाल दें, 2 चुटकी टाटरी ले लें और उसको पीस लें। फ्रेंड्स, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी फ्रूटी। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल जूसी फ्रूट लग रहा है, फ्रूटी लग रही है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कितनी यमी लग रही है, पीने में भी बहुत टेस्टी, बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली फ्रूटी है। आप इसे ज़रूर अपने घर में बनाएँ और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। और साथ साथ मैं एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी, अगर आप इसे 6 से 7 महीने के लिए प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो इसमें 1 से 2 पिंच टाटरी जो है डाल सकते हैं। और अगर आप इसे पीना चाहते हैं तो आप इसे टाटरी इसमें ना डालें। पिछली वीडियो में टाटरी का यूज़ नहीं किया था, और इसमें भी मैं टाटरी नहीं यूज़ कर रही, लेकिन क्योंकि इसमें टाटरी की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी खट्टापन और मीठापन इसमें फ्रूटी में आ रहा है और बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर है इस फ्रूटी में। और अगर आप रखना चाहते हैं प्रिजर्वेशन करके तो आप डाल सकते हैं। जस्ट एक आइडिया दिया था मैंने आपको कि इसमें ऐसे कर सकते हैं आप। तो अब हम इसे वो ग्लास में ऐसे सर्व कर देंगे, और सारे जितने भी मेज़रमेंट हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया।
और अब हम इसको ग्लास में सर्व कर देंगे और छोटी छोटी आइस क्यूब के साथ सर्व करेंगे। और आप चाहें तो इसको जो है स्टाइल तरीके से ग्लासेस में सर्व करेंगे तो वो भी बच्चों को दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आई होप कि आपको रेसिपी बहुत इजी लगी होगी, आपको बहुत यम्मी लगी हो, आपको अच्छी लगी वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ फ्रूटी की शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रही है, बिल्कुल मार्केट फ्लेवर की है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ पिक्चर्स में। आप देख सकते हैं कितनी लग रही है, सेम कलर आया है। फ्रेंड्स आप पानी इतना ही डालें जितने की फ्रूटी आपको पतली चाहिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।